जनवरी को महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहकर भी पुकारते थे, उनकी पुण्यतिथि है। गांधी जी को 20वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली और कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता है। उनके उसूलों ने उन्हें ग्लोबल आइकॉन की पहचान दी है। दूरदृष्टि और फलसफे यूनाइटेड नेशंस के लिए भी स्तंभ का काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 का एजेंडा गांधी जी के कई विचारों पर टिका हुआ है। उदाहरण के तौर पर गांधी जी ने सैनिटेशन और सबको पीने का साफ पानी मिलने और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। ये मुद्दे SDG में भी शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस में 100 से ज्यादा देश शामिल हैं और इनमें से कई देशों ने इस ग्लोबल लीडर के सम्मान में स्टाम्प जारी कर दिया है और कुछ देश ऐसा करने वाले हैं। काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। गांधी जी की सीख आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह सही बैठती है। भले ही वो पर्यावरण की सुरक्षा का मसला हो या संपूर्ण शिक्षा की बात हो, समानता का मामला हो या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर विकास की ओर अग्रसर होना, हर मामले में उनकी सीख आज भी ताज़ा है और सोचने पर मजबूर करती है।